अपनी विचार शक्ति को स्वस्थ और कार्यशील रखने के लिए एक छोटा सा काम प्रतिदिन करें, लॉजिकली एक पजल सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। इस पजल में आपको दिए गए हैं 100 नंबर्स, एक से लेकर के 100 तक के। पता क्या करना है? इन 100 नंबर्स में से कितने नंबर ए 2 से डिविजिबल है, बी 3 से डिविजिबल है, सी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और डी 2 या 3 किसी एक से भी डिविजिबल है। पिछली 4 पजल हम इसी तरह की सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ नंबर्स बदले हैं और कुछ नहीं बदला है। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। वीडियो रोकिए, सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से आप लिखेंगे भी नहीं, यू कैन सॉल्व द पजल ओरली। इस तरह की पजल हमने एक से ज्यादा क्यों सॉल्व करनी चाहिए? ताकि लॉजिक आत्मसात हो जाए। मेरा उत्तर देखते हैं। पहला 100/2 50, दूसरा 100/3 33, तीसरा 100/6 16, और चौथा 100/2 प्लस 100/3 माइनस 100/6 50 प्लस 33 माइनस 16 67। मान लीजिए मैं आपको यहां पर एक प्रश्न पूछूं कि एक से लेकर के 100 तक की संख्याओं में से कितनी संख्याएं 8 से डिविजिबल होंगी? 100/8, आंसर इज सिंपल, 100/8 विल बी 12। कौन कौन सी? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 एंड 96। कितनी संख्याएं 8 और 12 दोनों से डिवाइड होंगी? अब आपको निकालना पड़ेगा 8 और 12 का एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 100 डिवाइडेड बाय 24, 4। कौन कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो? 24, 48, 72 एंड 96। इस तरह की पजल्स बनाइए, सॉल्व कीजिए, दूसरों को सिखाइए। आप सोच नहीं सकते पजल्स बनाने से, पजल्स सॉल्व करने से, पजल्स सिखाने से दूसरों को आपकी कितनी कुशलताएं विकसित होंगी, आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो इंतजार क्यों कर रहे हैं? पजल्स बनाइए, सॉल्व कीजिए, दूसरों को सिखाइए। इस तरह की पजल से संख्याओं पर हमारी पकड़ बढ़ेगी। इसी तरह से कुशलताएं बढ़ाते बढ़ाते हम 501 पजल की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।